नमस्कार, मैं हूँ रेखा। मेरी सुपर रसोई में आप लोगों का स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फ्राई बेसन बाफला बाटी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी होती है, बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट होती है। और इसे हम बिना बाटी मेकर के और बिना बॉयल किए बनाएंगे। आप इसे दाल के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या आलू की सब्जी के साथ, या चोखी के साथ भी आप इसे खा सकते हैं, या फिर आप इसे सॉस के साथ और चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं फ्राई बेसन बाफला बाटी। तो देखिए, फ्राई बेसन बाफला बाटी बनाने के लिए यहाँ पर मैं ले रही हूँ परात, और परात में डाल रही हूँ 1 कप बेसन। और बेसन यहाँ मैंने सादा वाला लिया है। देखिए, जो नॉर्मल बेसन होता है ना, हम रोज़ इस्तेमाल करते हैं, वही वाला बेसन लिया है। और यहाँ पर ले रही हूँ 1 कप गेहूँ का आटा। अब ये आटा देख लीजिए आप, मैंने मोटा आटा लिया है, जो थोड़ा दरदरा आता है ना, जिससे चूरमा बनाते हैं और बाटी बनाते हैं, वही वाला आटा लिया है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 2 से 3 चम्मच सूजी ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, 1 छोटा चम्मच ले रही हूँ अजवाइन, उसे थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे। और 1/4 चम्मच डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और 1/2 छोटा चम्मच लिया है मैंने धनिया, सूखा हुआ धनिया लिया है, उसे इस तरह से क्रश कर लिया था, देखिए। और 1/4 चम्मच डाल रही हूँ जीरा। और यहाँ पर 2 चम्मच मैंने तिल लिए हैं, इस तरह से कच्चे तिल हैं, देखिए। और 1 छोटा चम्मच डाल रही हूँ नमक, स्वाद के अनुसार डालिएगा। और 1/4 चम्मच डाल रही हूँ यहाँ पर मीठा सोडा, जो खाने वाला सोडा आता है ना, मीठा सोडा, वो लिया है मैंने। अगर इसकी जगह आपके पास ये नहीं है तो आप बेकिंग पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आप यहाँ पर पाउडर भी डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो इन सबको मैंने अच्छे से देखिए मिक्स कर दिया है, सारे मसाले अच्छे मिल गए। अब इसमें डालेंगे मोइन। तो मोइन के लिए मैंने यहाँ घी लिया है और घी को मेल्ट कर लिया है। तो यहाँ मैं घी डाल रही हूँ, आप चाहे तो तेल ले सकते हैं, मैं घी का मोइन लगाती हूँ हमेशा। तो यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून घी डाला है और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो इसे बढ़िया से मिलाएंगे अब, और इसे कहते हैं मोइन लगाना। तो इससे क्या होता है, जो हमारी बाटी है ना, बहुत ही खस्ता बनती है, एकदम सॉफ्ट होती है अंदर से। तो बढ़िया से इसे मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मिला लीजिए। तो यहाँ देखिए, अच्छे से मिक्स कर लिया है और मोइन अच्छा हो गया है, देखिए। अब यहाँ पर डालेंगे हम इसमें दही। तो यहाँ मैं 2 से 3 चम्मच दही ले रही हूँ, और ये जो सादा वाली चम्मच आती है ना, घर वाली, वही चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ, देखिए। तो 3 चम्मच ले रही हूँ मैं, और ये खट्टा वाला दही नहीं है, बिल्कुल फ्रेश दही है। अगर आप नहीं खाते हैं तो स्किप कर दीजिए, लेकिन दही से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। तो यहाँ देखिए, मैंने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है, और यहाँ पर इसका आटा लगाएंगे। तो आटा आपको थोड़ा सा हार्ड लगाना है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मत कीजिएगा और बहुत ज़्यादा हार्ड भी मत कीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मैं अच्छे से इसे मिला लेती हूँ, और थोड़ा थोड़ा पानी डालती हूँ, उसका आटा लगा लेती हूँ, और आटा लगा के आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ देखिए, आटा हमारा लग चुका है। अब क्या करेंगे, इसे ढककर रख देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। इसे रेस्ट पर रखिए, क्योंकि ये मोटा आटा था ना, थोड़ा फूल जाएगा। तो देखिए, आटा यहाँ रेस्ट कर चुका है, और देखिए थोड़ा टाइट भी हो गया है, क्योंकि मोटा आटा था ना, पानी को पी गया है अच्छे से। तो थोड़ा सा इसे मसल लेते हैं इस तरह से, और देखिए कितने अच्छे से फर्मेंट हुआ है ये, क्योंकि हमने मीठा सोडा डाला है, इसमें दही डाला है। तो चलिए, इसे थोड़ा सा मसल लेती हूँ मैं, ताकि हम जब बाफला बाटी बनाएं तो बढ़िया से बने। और थोड़ा सा पोषण तोड़कर बाटी बना लेते हैं, और छोटी या बड़ी या अपने हिसाब से बना लीजिएगा। तो इस तरह से थोड़ा मसलती हुई इसकी बाटी बनाई, क्योंकि हमने आटा जो है ना, थोड़ा हार्ड लगाया है, तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आ सकती है, ये देखिए। और यहाँ पर मेरे पास फ़ैन चल रहा है, यानी कि पंखा चल रहा है, तो आपको आवाज़ आ रही, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ देखिए, मैंने इसी तरह से हमें सारी बाटियाँ बना लेनी है। तो यहाँ देखिए, मैंने सारी बाटी बनाकर तैयार कर ली है, और अब इसे स्टीम करेंगे, बॉयल नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर देखिए, स्टीम करने के लिए मैंने यहाँ इस तरह की छन्नी ली है, यानी कि इस तरह की थाली ली है, और इसमें घी लगा दिया है। आप चाहे तो इस तरह की प्लेट भी ले सकते हैं। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर मैंने 2 से 3 गिलास पानी रखा था कढ़ाई में, और वो अच्छे से उबल गया है। तो यहाँ पर मैंने जो थाली ली थी वो इस पर रख दी है, और इसमें डाल दिए हैं हमारी बाटी। तो थोड़ा सा गेप करके रखेंगे, ताकि ये फूलेंगी भी ना। तो चलिए, इसे रख देते हैं, और इसे ढककर 15 से 16 मिनट के लिए पका लेते हैं। और गैस की फ्लेम मीडियम रखिएगा, और 15 से 16 मिनट इसे पका लीजिएगा। तो यहाँ देखिए, मुझे 15 से 16 मिनट हो चुकी हैं। अब मैं इसे ढक्कन हटाकर देखती हूँ, यहाँ देखिए कितने बढ़िया से फूल चुके हैं ये। और आपको कैसे पता चलेगा, ये देखिए, जब आप इस पर हाथ लगाएंगे ना इस तरह से, तो बिल्कुल भी पानी नहीं होगा, और चिपचिपा सा नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ड्राई हो गया है, देखिए।
और यहाँ पर एक टूथपिक ले लीजिए, इसे चेक कर लीजिए। आपके पास नहीं है तो आप नाइफ़ डालकर भी चेक कर सकते हैं। देखिए किस तरह से हमारी टूथपिक क्लीन आ रही है, बिल्कुल भी आटा लगा हुआ नहीं आया। तो ये अच्छे से तैयार हो चुके हैं, यानी कि पक चुके हैं। अब इसे निकाल कर ठंडा कर लेते हैं। और यहाँ देखिए इसमें जो क्रैक्स आए ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छे से स्टीम हो चुके हैं। तो चलिए इसे निकाल लेती हूँ। अब यहाँ देखिए मैंने इसे निकाल लिया है और इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं। तो ठंडा होने के बाद ही हम आगे का प्रोसेस करेंगे। अब यहाँ देखिए अच्छे से ठंडे हो चुके हैं और देखिए कितने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल भी चिकने नहीं लग रहे हैं, यानी कि चिपचिपे नहीं लग रहे हैं, तो इसका मतलब ये तैयार हो चुके हैं। तो चलिए अब क्या करते हैं, इन्हें कट कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक बाफला बाटी ली है और इसे इस तरह से चार हिस्सों में काट लिया है। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है ना। तो ऐसे ही हमें सारी बाटियों को कट कर लेना है। अगर आप घी तेल से दूर रहना चाहते हैं या नहीं खाना चाहते तो आप इस तरह से भी इसे इंजॉय कर सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा फ्राई करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई में तेल लिया है, आप चाहे तो घी ले सकते हैं, मैंने तेल लिया है। बहुत ज़्यादा तेल लेने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही तेल चाहिएगा। तो यहाँ देखिए तेल थोड़ा हल्का गर्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करेंगे तेल को। और गैस को मैंने मीडियम कर दिया है और अलट पलट करते हुए इसे 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है इसे, क्योंकि बाहर से थोड़ी क्रिस्पी होती है और अंदर से सॉफ्ट होती है। यहाँ देखिए तो जितनी आपकी कढ़ाई में आती है उतनी डाल दीजिए। ये देखिए, और अभी इसे छूना मत, 2 से 3 मिनट बाद ही आपको इसको छूना है, यानी कि थोड़ा हिलाएंगे। अब यहाँ देखिए मैं इसे थोड़ा पलट देती हूँ, अलट पलट करके इसको पकाएंगे। 3 से 4 मिनट लगेगी, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और बढ़िया सा कलर आएगा तब हम इसको निकालेंगे। अब यहाँ देखिए इसमें कलर आने भी लगा है, देखिए कितने अच्छे से ये पकने लगी है। यहाँ देखिए कलर कितना अच्छा आने लगा है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी बाटियाँ जो है ना कलर पकड़ने लगी, यानी कि अच्छा कलर आने लगा है। तो हमें थोड़ा गोल्डन ब्राउन सा कलर करना है इसका। ये देखिए, और लेयर देखिए कितनी बढ़िया लग रही है, बहुत स्वादिष्ट लगती है ये बाटी। आप इसे दाल के साथ इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए निकाल लेते हैं, आलू की सब्ज़ी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, या फिर आप इसे चाय के साथ भी खा सकते हैं, या सॉस के साथ भी खा सकते हैं, बहुत टेस्टी लगती है। तो सेम इसी प्रोसेस से दूसरा बैच भी तैयार कर लेते हैं। यहाँ देखिए बाटी बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ देखिए मैंने सेम इसी प्रोसेस से दूसरा बैच भी तैयार कर लिया है और सभी बाटियों को निकाल लेते हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। और आपको मेरी रेसिपियाँ कैसी लगती है कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और बाटी की बहुत सी रेसिपी मेरे चैनल पर अपलोड है, उन्हें भी देखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।